सास का पान बनारस वाला। सास को था दिन भर बनारसी पान खाने का क्रेज और बहू को करना था हर काम बहुत तेज। पान खाते हुए ठीक से बोल नहीं पाती थी सास और पान थूक भी नहीं सकती थी क्योंकि पान था बनारसी और बहू सुनती कुछ थी करती कुछ थी। ऐसे में सास को कभी आ जाता था गुस्सा तो कभी हंसी। बहू खाना बना दो। क्या गाना बना दो? जी अभी बना कर लाई। अरे खाना एक काम कर दूध सपा ले। कौन सा धूम मचा ले? अरे दूध सपा ले। वही तो धूम मचा ले। अभी गाती हूँ सासू माँ। धूम मचा ले। सास परेशान होकर अपना सर पकड़ लेती है और बहू की हरकत देखकर वो बहू से कुछ नहीं कहती है। एक दिन घर में आते हैं एक मेहमान। सास उस वक्त भी चबा रही होती है अपना पान। और बताया कैसे हैं? क्या कह रही हैं? अरे पूछ रही है पैसे हैं? अरे नहीं कैसे हैं? पैसे हैं साहब। अरे कैसे हैं आप बोल रही हूँ, कैसे हैं आप कह दीजिए। अरे पैसे हैं साहब बोल रही हूँ, पैसे हैं साहब दे दीजिए। अरे पैसे क्यों मांग रही हैं? हमने कोई उधार लिया है क्या आपसे? नहीं तो। वही तो बोल रही है। वही तो आपने पैसे लिए ही होंगे उनसे। अरे यार पान थूक दीजिए ना फिर बोल लीजिए। थूकूंगी रुको छोड़ो। क्या ठीक से बोलिए ना। थूकूंगी रुको छोड़ो। कह रही है ठोक दूंगी रुको थोड़ा। अरे हम मेहमान हैं आपके यहाँ, नाश्ता पानी की बात करने की जगह मारपीट की बात कर रही हैं। अरे नाश्ता तो कर लो। हैं क्या बोल रही है? रास्ता पकड़ लो। सब बेइज्जती है यार, दोनों सास बहू मिलकर डरा धमका रही हैं। अरे रुको सही, आप सु करके आई पान निकालूंगी रुको। क्या क्या कहना चाहती हो? अरे रुको भी आंसू करके आई पान निकालूंगी रुको। बस इतना कहकर सास चली जाती है थूकने पान। लेकिन बहू से सास की बात का मतलब पूछ लेते हैं मेहमान। अब ये क्या बोल कर गई हैं? सुना नहीं, बोल रही थी रुको अभी चाकू धार के लाई जान निकाल लूंगी रुको। बस बहू की बात सुन के भाग जाते हैं गेस्ट और सास का पान थूकना भी चला जाता है वेस्ट। अरे मेहमान किधर गए? भाग गए, आपने कहा था ना चाकू जान निकालेंगी। अरे बोला था आथू चाकू नहीं और पान निकालूंगी जान नहीं। अरे तू मेरी गजल का रीमिक्स बनाएगी तो लोग कुछ का कुछ तो समझेंगे ही। अरे क्यों बोलती है बीच में? आपकी बात किसी को समझ में नहीं आती इसलिए। अरे तो पान रहता है ना जुबान पे। अरे खाई के पान बनारस वाला लग जाता है आपकी जुबान पर ताला। माँ जी हजार बार समझाया है पान खाते वक्त चुप रहा करिए, बात का बतंगड़ बन जाता है। अरे पान पहले मेहमान बाद में। अरे इतना रसीला पान कैसे थोक दूं, वो भी मेहमान के लिए। किसी दिन ना ये पान के चक्कर में बड़ी मुसीबत में फंस जाओगी आप। लेकिन सास ने नहीं मानी बहू की बात और पकड़े रखा बनारसी पान का साथ। घर में घटती रहती एक जैसी घटना, सास बोलती दिल्ली पर बहू सुनती पटना। एक बार मोहल्ले में बन रही थी पक्की सड़क जिसके उद्घाटन में आने वाले थे विधायक। सास और बहू भी वहां पहुंची,
सोचा नजारा होगा देखने लायक। भीड़ में सास थी सबसे बुजुर्ग, संचालक ने बुला लिया उसको स्टेज पर आशीर्वाद के लिए। और विधायक जी थे मुख्य अतिथि, तो उनका भाषण रखा बाद के लिए। माँ जी, मोहल्ले में सबसे बुजुर्ग हैं आप, स्टेज पर आइए और नई सड़क के निर्माण के लिए आशीर्वाद रूपी दो शब्द कहिए। जुबान पे रख के बनारसी पान, सास मंच की तरफ बढ़ गई। और पान खाती सास की बात को कोई नहीं समझेगा, ये सोच के बहू भी मंच पर चढ़ गई। नमस्कार मोहल्ले वालों। नमस्कार मोहल्ले वालों। मोहल्ले वालों। ठीक है ठीक है, समझी। मैं बहुत खुश हूँ कि जो रोड बन रही है। मैं बेवकूफ हूँ जो रोड बन रही है। बेवकूफ नहीं, बहुत खुश, बहुत खुश। ओ, बेवकूफ नहीं, बहुत बेवकूफ। आम आदमी का विकास होगा। आम आदमी का विनाश होगा। विनाश नहीं, विकास, विकास। विनाश नहीं, विकास होगा। सॉरी सासू माँ। विधायक जी बहुत बहुत ही बढ़िया आदमी है। विधायक जी नॉटी नॉटी बढ़िया आदमी है। अरे सासू माँ, ये क्या बोल रही हो? पहले तो सास बहू की बात सबको हंसाती है, पर बात तब बिगड़ती है जब विधायक जी पर आती है। ये क्या बोल रही हैं दोनों मेरे बारे में? विधायक जी कभी मोहल्ले की सुंदर कांड करवाते हैं। विधायक जी कभी मोहल्ले के अंदर कांड करवाते हैं। अरे नहीं बहू, ठीक से सुन। सॉरी माँ जी। विधायक जी बहुत विकास करते हैं। विधायक जी बहुत बकवास करते हैं। अरे यार बहू, मेरा मतलब विधायक जी सबके अच्छे के बारे में सोचते हैं। विधायक जी सबके कच्चे के बारे में सोचते हैं। माँ जी ये क्या बोल रही हैं आप? अरे ये क्या घनघोर बेइज्जती है मेरी, कोई रोको इनको। नेताजी का गुस्सा देखकर सास हो जाती है परेशान, बहू को डांटने के लिए स्टेज पर ही थूक देती है पान। पान के पिचकारी की धार में होता है उछाल, सामने बैठे नेता का कुर्ता हो जाता है छींटों से लाल। विधायक जी मुझे माफ करो, अब मैं पान नहीं खाऊंगी। सासू माँ मुझे भी माफ करो, अब मैं आपकी बात में टांग नहीं अड़ाऊंगी। अरे आप दोनों मुझे माफ करो, आपका मोहल्ला मुझे माफ करे, भगवान मुझे माफ करे जो मुझसे यहाँ आने का पाप हुआ। भीड़ जोर जोर से ठहाके मारती है, सास अपनी बहू पे गुस्सा उतारती है, नेताजी हो जाते हैं उड़नछू, माँ जी हमेशा के लिए कर देती है पान को अथू। आगरात पार्ट टू। धूमधाम से शादी करने के बाद समर्थ और देविका घर आते हैं। घर पर सब उनका स्वागत करते हैं और सौम्या उनकी सुहाग रात का इंतजाम करती है। समर्थ और देविका दोनों अपने रूम में बैठे बातें कर रहे होते हैं, तब देविका कहती है, सुनिए आप इतना दूर क्यों बैठे हैं? नहीं कुछ नहीं, बस थोड़ा सा थक गया हूँ। अगर आप कहें तो मैं आपका सर दबा दूं? अब नहीं नहीं रहने दो, आप भी तो थक गई होंगी। देविका आगे बढ़ती हुई कहती है, थक तो गई हूँ पर आपकी सेवा करना पहला धर्म है मेरा। देविका जट से समर्थ के पैर पकड़कर दबाने लगती है। ऐसे ही कुछ देर निकल जाती है और समर्थ कहता है, अब रहने दो देविका, तुम भी आराम कर लो, तुम भी थकी थकी लग रही हो। देविका मना करते हुए उठ जाती है और अपने बालों को खोलकर समर्थ का सर दबाने लगती है और कहती है, मेरी थकावट तो आप ही दूर कर दोगे ना। इतना कहकर देविका अपने खुले बालों को समर्थ के ऊपर डालती है। समर्थ देविका के जाल में सम्मोहित होने ही वाला होता है कि अचानक से दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। समर्थ आवाज लगाते हुए कहता है, कौन? भाई मैं हूँ सौम्या। क्या है सौम्या? क्या बात है देविका, कैसा लग रहा है मेरी भाभी बनकर? कुछ बात आगे बढ़ी या नहीं?
बात आगे बढ़ती कैसे? तू जो आ गई कबाब में हड्डी। अच्छा जल्दी बता किस लिए आई थी? सौम्या ठिठोली करते हुए कहती है, क्या बात है देविका, बहुत जल्दी हो रही है। वैसे मैं तो दूध का गिलास देने आई थी। आखिर मेरी सहेली की सुहागरात में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। देविका दूध का ग्लास लेते हुए जल्दी से दरवाजा बंद कर लेती है और पीछे मुड़कर देखती है तो समर्थ तो सो चुका था। देविका समर्थ को उठाते हुए कहती है, सुनिए समर्थ जी, उठ जाइए ना, सौम्या दूध देने आई थी, इसे पी लीजिए फिर आप सो जाना। समर्थ नींद में उठता है और दूध पीकर फिर से सो जाता है। देविका उसके बगल में बैठी कहती है, सुनिए समर्थ जी, आज हमारी पहली रात है और आप सो रहे हो। समर्थ नींद में ही कहता है, देविका मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, तुम भी सो जाओ। सोने के लिए तो पूरी रात पड़ी है, आप उठिए ना और कुछ देर मुझसे बात तो करिए। देविका जिद करते हुए समर्थ को आधी नींद से उठा देती है। समर्थ उठकर बैठ जाता है और कहता है, बोल गया देविका जी, आपका हुक्म सर आंखों पर। सुनिए मैंने सुना है कि पति अपनी पत्नी को पहली रात कोई तोहफा देता है, आप मेरे लिए कुछ नहीं लाए क्या? वो मैं कैसे भूल सकता हूँ, लाया हूँ पर वो दूसरे रूम में रखा है। तो दिखाइए ना क्या लाए हैं। अरे अभी तो कहा कि तुम्हारा गिफ्ट दूसरे रूम में है, तो जाकर लेकर आइए ना। अगर अभी गया तो घर के सब लोग जाग जाएंगे और 10 तरह के सवाल जवाब करेंगे, मैं सुबह दिखाता हूँ ना। समर्थ इतना कहकर लेट जाता है और लेटे लेटे देविका से कहता है, अच्छा सुनो देविका, मुझे बहुत तेज आ रही है, मैं सो रहा हूँ, तुम भी सो जाओ। देविका समर्थ की बात सुनकर कहती है, आपको तो हमारी पहली रात की कुछ पड़ी ही नहीं है। इतना कहकर देविका भी उसके करीब आकर लेट जाती है और सो जाती है। अगली सुबह अधीरा समर्थ के रूम में सफाई करने आती है और देविका को उसके करीब लेटा देख रोने लगती है। रोने की सिसकी सुनकर समर्थ की आंख खुल जाती है। वो उठकर देखता है कि अधीरा उसके कमरे में रो रही है। उसे देखते ही समर्थ बहुत गुस्से में आ जाता है और अधीरा से कहता है, अधीरा तुम सुबह सुबह क्यों रो रही हो, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, जाओ यहाँ से। समर्थ अधीरा का हाथ पकड़कर रूम के बाहर कर देता है और कहता है, अब बिना दरवाजा नॉक किए अंदर मत आना। इतने में देविका भी आ जाती है और समर्थ को भड़काते हुए कहती है, हाँ समर्थ जी, ये रो रो कर हमारे घर में अपशगुन कर रही है और अब ये देखो कैसे मगरमच्छ के आंसू दिखा रही है। इतना कहकर देविका अधीरा का हाथ पकड़कर घसीटती है और कहती है, अब क्या रोती रहेगी या कुछ काम भी करेगी, मुफ्त में रोटियां तोड़ने को नहीं मिलेगी यहाँ पर, चल उठ यहाँ से और कुछ काम कर। अधीरा वहां से उठकर रोते रोते चली जाती है और जाकर रसोई में सबके लिए चाय बनाती है और चाय जाकर पहले अपनी सास को देती है। चाय पीते ही मंजू अधीरा को गुस्से से कहने लगती है, लगता है मुझे मारने की साजिश कर ली है, अरे अभी तक तूने ढंग की चाय बनाना नहीं सीखा, इतनी मीठी चाय बनाई है कि कहीं मैं शुगर की बीमारी से मर ही ना जाऊं, अरे जा जाकर तू मर कहीं। अधीरा मंजू की बात सुनकर दुखी होती है। इतने में सौम्या वहां जाती है और कहती है, ये लो महारानी अभी यहीं बैठी है और मैं पूरे घर में देख आई। अरे ओ महारानी, यहाँ बैठकर किसका मातम मना रही हो, उठ यहाँ से और जाकर हमारे कपड़े धो, बहुत कपड़े पड़े हैं धोने को। अधीरा वहां से कपड़े धोने चली जाती है और बैठे बैठे खुद को कोसने लगती है, हे भगवान मुझे उठा ले तो अच्छा है, मैं थक गई हूँ इस जिंदगी से। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। अब समर्थ भी अपने काम पर जाना शुरू कर देता है। एक शाम अधीरा घर के सारे काम करके अपने रूम में आराम कर रही थी और मंजू अधीरा को आवाज लगाते हुए कहती है, अरे ओ कलमुही, अगर आराम हो गया हो तो आकर मेरे पैर दबा दे। देविका उस समय वहीं से गुजर रही थी और समर्थ का घर आने का टाइम देखकर देविका मंजू से कहती है, माँ जी सुनिए, आप कहें तो मैं दबा दूं आपके पांव। पता नहीं अधीरा कहाँ है। देविका मंजू के पांव दबाने बैठ जाती है और कुछ ही टाइम बाद समर्थ भी वहां आ जाता है और देविका को माँ के पांव दबाते देख बहुत खुश होता है। वो सीधे अपने कमरे में चला जाता है। समर्थ को देख मंजू देविका से कहती है, अच्छा सुन जा जाकर खाना लगा दे, और समर्थ थक कर आया है ऑफिस से,
जाकर उसे पानी को पूछ ले। देविका उठकर समर्थ के लिए खाना लगा देती है और रात में समर्थ और देविका सोने की तैयारी करते हैं। समर्थ कहता है, अच्छा देविका सुनो ना, मेरे पास आकर बैठो जरा। अरे पापा मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है। अरे आओ तो सही, आज तुम्हें माँ के पांव दबाते देखकर बहुत अच्छा लगा। अच्छे क्यों नहीं लगेगा भला, पूरा दिन घर के काम किए हैं और शाम को माँ की सेवा, पर मेरा तो कोई हाथ बांटने वाला भी नहीं है घर में। क्यों, अदिरा और घर के बाकी लोग कहाँ जाते हैं? अदिरा की तो बात ही मत करो, वो महारानी तो बस मटर गश्ती करती रहती है और घर का सारा काम ना मुझे ही करना पड़ता है। मेरी तो किसी को पड़ी ही नहीं है, मैं तो सिर्फ एक नौकरानी हूँ इस घर में। अरे नहीं नहीं ऐसा मत बोलो। क्यों ना बोलूं, आपने मुझे वादा किया था ना कि आप मुझे रविवार को फिल्म दिखाने ले जाओगे और कपड़े भी दिलवाओगे, पर आपने तो एक भी वादा पूरा नहीं किया। अच्छा बाबा कल रविवार है, कल ही चलते हैं और तुम्हारी सारी शिकायत दूर कर देते हैं, खुश। दोनों सो जाते हैं और अगली सुबह समर्थ और देविका बाहर घूमने चले जाते हैं। अब समर्थ पूरी तरह से देविका के वश में हो जाता है। देविका जो कहती समर्थ वही करता। क्या समर्थ को कभी अपनी बहन और दूसरी पत्नी की सच्चाई पता चल पाएगी? अब क्या होगा अधीरा का? इसके लिए हमारे अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए।